नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आप सरकार अपनी मुफ्त की स्कीमों को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला यात्रियों को मुफ्त बस सर्विस की योजना शुरू की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें शिकायतें आ रही हैं कि DTC बस ड्राइवर महिलाओं के लिए बसें नहीं रोकते। इसको लेकर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर इस तरह की हरकतें कतई ना करें, वरना उनके खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम के एक बस चालक को DTC स्टैंड पर बस नहीं रोकना महंगा पड़ गया। इसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल सख्त हो गए और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्वीट कर महिला यात्रियों को भरोसा दिलाया कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त के लायक नहीं है और सीएम ने अपने ट्वीट की मैं उस वीडियो को भी अटैच कर दिया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बस रोकने का संकेत देने के बाद भी ड्राइवर बस को भगा ले गए। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया है। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर की पहचान की है और बस ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आप सरकार अपनी मुफ्त की स्कीमों को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला यात्रियों को मुफ्त बस सर्विस की योजना शुरू की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये शिकायतें मिल रही थी कि DTC बस ड्राइवर महिलाओं के लिए बसें नहीं रोकते। इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल की सरकार सख्त एक्शन लेने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर इस तरह की हरकत कतई ना करे, वरना उनके खिलाफ विभागीय एक्शन लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम के एक बस चालक को DTC स्टैंड पर बस नहीं रोकना महंगा पड़ गया। इसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल सख्त हो गए और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्वीट कर महिलाओं को यात्रियों को भरोसा दिया कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। सीएम ने अपने ट्वीट में उस वीडियो को भी अटैच कर दिया जिसमें साफ दिख रहा है कि बस रोकने का संकेत मिलने के बाद भी बस ड्राइवर बस को भगा ले गया। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर की पहचान की और बस ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो आपको बता दें कि DTC बस ड्राइवरों की लापरवाही पर अरविंद केजरीवाल की सरकार सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार मुफ्त की स्कीमों को लगातार बढ़ावा दे रही है और ऐसे में ही अगर एक स्कीम की बात कर ली जाए जिसमें महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस की सेवा शुरू की गई है, पर यहां पर महिलाओं को ही इस बस की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। जी हां, आपको बता दें कि DTC बस ड्राइवर महिलाओं के लिए बस नहीं रोक रहे, जिसकी शिकायत अब अरविंद केजरीवाल ने अमल में लाने के बाद इसमें तुरंत कार्रवाई की है और इसमें एक DTC बस ड्राइवर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार मुफ्त की स्कीमों को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी और महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस की सर्विस जो है शुरू की थी, ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना में शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। महिलाओं की तरफ से, जो महिला यात्री हैं उनकी तरफ से इसमें शिकायतें दी गई हैं। क्या क्या शिकायतें उनकी तरफ से दी गई हैं, एक बार इसे लेकर जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर वायरल हो रहे थे, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि जो DTC के बस ड्राइवर है वो बस स्टैंड पर बसों महिलाओं को देखकर बस वही रोक रहे थे। इसकी तमाम जानकारी जो थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच चुकी है और उन्होंने अब सख्ती से कदम उठाने के लिए बिल्कुल कह भी दिया गया है। जहां पर की बात करें अधिकारियों से, तो अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो बस ड्राइवर जो बसों को बस स्टैंड पे नहीं रोक रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से कदम उठाने के लिए अब
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की ट्वीट के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी बस ड्राइवर या फिर बस कंडक्टर जो है वो महिलाओं के साथ अच्छे सलूक नहीं करता है या फिर अच्छा बर्ताव नहीं करता है या फिर महिलाओं को बसों में नहीं चलाते हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनको डीटीसी बस सेवा से हटाया भी जा सकता है। जी राजीव, क्या कुछ पता लग पाया है, क्योंकि तुरंत एक्शन इस चीज पर लिया गया है, तो क्या कुछ पता लग पाया है कि क्यों ये बस ड्राइवर महिलाओं के लिए बसें नहीं रोकते थे जबकि ये योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई थी? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री के शुरू की गई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा कदम जरूर उठाया गया था, मगर अब कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है जो बस ड्राइवर है वो बसों को नहीं रोक रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अब दिल्ली सरकार जो है वो कदम उठाती नजर आ रही है और एक्शन के मूड में नजर आ रही है और खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है अगर उसके अंदर डीटीसी की बस सेवाओं के यानी कंडक्टर की बात करें ड्राइवर की बात करें और जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिली थी क्योंकि जो वीडियो था वो लगभग आईटीओ का बताया जा रहा था और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है बस के लिए कहीं ना कहीं बस में बैठने के लिए कोशिश करती है मगर बस ड्राइवर जो है उस बस को रोकता नहीं है और उस बस को भगा के आगे ले जाता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब शिकायतें पहुंच रही है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है सख्त कदम उठाती नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि डीटीसी के अंदर जो भी कर्मचारी अगर महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं उनको तुरंत ही सस्पेंड किया जा सकता है। जी राजीव, जब से एक्शन लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से तो परिवहन निगम के अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया है। इसी बीच परिवहन निगम का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है और अधिकारियों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है? सही कहा, जब हम बात करें परिवहन निगम की तो उनके अंदर बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद कहते हैं उस बस ड्राइवर को हटाया है और कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर अब बिल्कुल दिल्ली सरकार सत्ता के उठ चुकी है, मगर इसके असर जो है वो यानी कि सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारियों को पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनको डर भी लग रहा है अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से बस चलाई या फिर महिलाओं को नहीं बिठाया या फिर बस स्टैंड में बस नहीं रोकी या फिर जिस तरीके से बसों महिलाओं को देखकर आगे बस भगाने की कोशिश करी उनके ऊपर गाज गिरना लाजमी है और इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा संदेश भी दीजिए। मगर यहाँ पर परिवहन विभाग की जो अधिकारी है खास तौर पर बात करें बस ड्राइवरों की या फिर बस कंडक्टरों की या फिर बस डिपार्टमेंट की उनके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य निर्देश जिस तरीके से मिले हैं और पहला ही संदेश जो है वो डीटीसी के बस ड्राइवर को हटा दिया गया है उसके लेकर कहीं ना कहीं अब हड़कंप बिल्कुल देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार जिस तरीके से फ्री सुविधाएं जो महिलाओं को दे रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी सत्ता के अब अधिकारियों की तरफ से अगर कोई भी लापरवाही की जाती है तो सोचिए उनकी कहीं ना कहीं जॉब जो है वो खतरे में पड़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में जो है एक बस ड्राइवर को सस्पेंड भी किया गया है, जिसे सस्पेंड किया गया है क्या कुछ कहना है राजीव इसका? देखिए यहाँ पर बात करें जिस बस ड्राइवर को सस्पेंड किया गया उसकी कमी इतनी थी कि वो आईटीओ के पास कुछ महिलाओं को देखकर उसने बस भगा दी थी और वो वीडियो जो था वो वायरल हो चुका था, मगर इस वीडियो को बनाने वाला कौन था ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर लगातार इस तरीके की जानकारी मिल रही थी दिल्ली सरकार को कि महिलाओं को बसों के अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा, फ्री की जो सवारी होती है इसलिए कहीं ना कहीं उनको बसों में नहीं बिठाया जाता है और ड्राइवर खुद जान कर करके बसों को आगे भगा कर ले जाते हैं। इस तरीके की तमाम जो जानकारी थी दिल्ली सरकार को मिलती नजर थी और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और उसकी जानकारी जो है ट्वीट के माध्यम से दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसके साथ बक्सा नहीं जाएगा और उसको तुरंत ही करके उस ड्राइवर को हटा भी दिया गया और ये पहला संदेश जो है वो परिवहन विभाग के अधिकारियों तक पहुंच चुका है और अब कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के जो अधिकारी है उनके बीच में बिल्कुल हड़कंप देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कंडक्टर और ड्राइवरों के बीच में जिस तरीके से बस महिलाओं के लिए नहीं रोकी जा रही, क्या बस के अंदर जो महिलाएं मतलब बैठती हैं क्या वहां भी उन्हें कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना जो है महिलाओं को करना पड़ता हो बस के अंदर?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बसों के अंदर सुविधाएं दी जाती है, फ्री की टिकट दी जाती है, मगर यहाँ पर जो फ्री वाली जो स्कीम है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार कंडक्टरों के द्वारा कहीं ना कहीं बदतमीजी की जाती है, ड्राइवर के द्वारा बदतमीजी की जाती है और वो बस को बस स्टैंड पर रोकते नहीं है। इस तरीके की तमाम जानकारी जो है वो मिलती नजर आ रही है, मगर अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है इसको लेकर संज्ञान हो चुकी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा और संदेश भी दिया जा रहा है कि महिलाओं के लिए अगर कहीं कोई भी इस तरीके की गलत हरकत करता है या फिर गलत कदम उठाता है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। जी न केवल ये योजना फ्री की गई है बल्कि बहुत सारी दिल्ली सरकार की ओर से जो है योजनाएं स्कीम जो है लगातार इन्हें बढ़ावा दिया जाता है और बहुत सारी स्कीम जो है मुफ्त लोगों के लिए की गई है, तो ऐसे में क्या अन्य स्कीमों की अगर बात कर ली जाए उनमें भी क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें देखने को मिल रही हैं? बात करें महिलाओं की या फिर महिलाओं के द्वारा जो बहुत शिकायतें दी जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब सतर्क है और यहाँ पर जिस तरीके से अब पहला ही ड्राइवर को हटा दिया गया तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें बन सकती है। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार संदेश देती नजर आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद इस तरीके की घटनाएं और होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर यहाँ पर DTC की सेवाएं जो है वो लगातार देने की बात की जा रही है, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो आप कहीं ना कहीं जनता के या फिर कहे महिलाओं के लिए जो फ्री सुविधा उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर लगातार ये सुविधाएं जो है बढ़ाई भी जा चुकी हैं, मगर लगातार ये कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो चाहे वो महिलाएं या हो या फिर और सुविधाएं हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, किसी के अंदर भी कोई लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इस तरीके का एक्शन जो है वो ले सकती है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। यूपी में नथ्रो ट्रिपल आर्ट सेंटर अब 11 नगर निगमों के बजाय उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप व्यवहारिकता के आधार पर अब हर वार्ड में एक RRR सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के सभी वार्डों में इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिक अपने घरों की ऐसी चीजों जिनका इस्तेमाल नहीं है उनका दान किया जा सकेगा। ये चीज हो सकती हैं कपड़े, किताबें, खिलौना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी वगैरह। नगर निगम इनको जमा करके जरूरतमंदों को बांट देगा और इन केंद्रों को कपड़ा बैंक, किताब बैंक, बर्तन बैंक, खिलौना बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। आश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान के तहत ये पहल की गई है। इसके साथ ही मिशन लाइफ अभियान के तहत भी प्रदेश भर के नगरीय निकायों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यूपी में नथ्रो ट्रिपल आर्ट सेंटर अब 11 नगर निकायों की बजाय उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप व्यावहारिकता के आधार पर अब हर वार्ड में एक RRR सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के सभी वार्डों में इन केंद्रों के माध्यम से आम नागरिक अपने घरों की ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं है उनका दान किया जा सकता है। ये चीजें कपड़े हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, खिलौने हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी वगैरह हो सकती है। नगर निगम इनको जमा करके जरूरतमंदों को बांट देगा और इन केंद्रों को कपड़ा बैंक, किताब बैंक, बर्तन बैंक, खिलौना बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जिस तरीके से बात कर ली जाए यूपी में नथ्रो ट्रिपल आर सेंटर जो है अब स्थापित किए जाने वाले हैं, एक बार इन्हें लेकर पूरी जानकारी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी देखिए देखा गया है कि 2020 में दिसंबर माह में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे पूर्व महापौर संयुक्ता वाजिया ने लखनऊ में एक नेकी की दीवार खड़ी की थी जिसके अंतर्गत उन तमाम जरूरतमंद बेसहारा लोगों को मदद दी गई थी, चाहे वो कपड़ा बैंक के माध्यम से हो या अन्य चीजों के माध्यम से हो,
इनकी मदद की गई थी। जरूरतमंदों को उनके बढ़ती ठंड को देखते हुए उन्हें कपड़े मुहैया कराए गए थे, लोगों ने बढ़ चढ़ के इससे हिस्सा लिया, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी 762 निकायों में नाथरो ट्रिपल आर स्थापित किए जाएंगे, सभी वार्डों में स्थापित किए जाएंगे। ये सरकार की मंशा है कि उन जरूरतमंदों को मदद मिले जो वाकई में इसके योग्य हैं। लेकिन इसके लिए नगर विकास विभाग में चाहे वो कपड़ा बैंक, किताब बैंक या खिलौना बैंक, इलेक्ट्रॉनिक के अन्य उपकरण हो जो जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा सके, इसके लिए बाकायदा बैंक के रूप में तैयार किया, विकसित करेंगे। इसको लेकर नगर विकास विभाग लगातार काम कर रहा है, इसको लेकर आयोजन भी करेगा, विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जी ऋषभ, वहीं अगर बात कर ली जाए, सरकार इस चीज के लिए कैसे लोगों में जागरूकता फैलाएगी, क्या प्लान सरकार का तैयार किया गया है कि किस तरीके से वो लोगों में जागरूकता फैलाएगी कि वो अगर जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें वो यहाँ पर दे सकते हैं, इसके लिए कैसे जागरूकता फैलाई जाएगी? एक नगर विकास विभाग लगातार इसके लिए प्रचार प्रसार करेगा, होल्डिंग्स बैनर्स लगाएगा और तमाम ऐसी चीज। देखिए, स्वच्छ कनेक्ट के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह है, जन प्रतिनिधि है, व्यापारी वर्ग है, स्टूडेंट वर्ग है, क्लास तमाम है, सर्विसेज क्लासेस हैं, तमाम ऐसे समाज में अन्य वर्ग हैं जिन्हें इस पर जोड़ा जाएगा। और ट्रिपल आर सेंटर का संचालन संबंधित नगरीय निकाय वॉलेंटियर के माध्यम से किया जाएगा। इन केंद्रों पर वस्तुओं को एकत्रित करने से लेकर वितरित के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं समूह, अन्य संगठनों को जोड़कर इस कार्य को किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर से निर्प्रयोज वस्तुओं को उपलब्ध करा सकता है। वस्तुओं के कलेक्शन के लिए नाथों रथ भी सभी नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। मिशन लाइफ में फ्लैग रन से लेकर शपथ ग्रहण तक किया जाएगा। जी ऋषभ, वही बात कर लें, कभी कभार देखा जाता है कि सामान जो है टूटा फूटा सा होता है, तो ऐसे में जो सामान टूटा फूटा होगा तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? ऐसा यदि ऐसा होता है तो इन इसके लिए उस सामान को हटा दिया जाएगा, उस सामान को नहीं दिया जाएगा, वो सामान दिया जाएगा जो वाकई में उपयोग में हो, जरूरतमंद की उपयोग के लिए हो, इसलिए वो इस तरह के सामान को हटा दिया जाएगा। जिस तरीके से एक अच्छी पहल जो है शुरुआत इसकी की जा रही है, इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? कि लोगों में जरूरतमंद लोगों की मदद की बात है, लोग उत्साहित है इस चीज से कि कम से कम ऐसा ऐसी सरकार है, ऐसा प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि कोई विभाग, कोई सरकार आगे बढ़कर गरीबों की मदद के लिए खड़ी है, लोगों को इस तरह की योजनाओं से जोड़ रही है कि आने वाले समय में उनकी मदद हो सके। वही बात कर लें, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये स्कीम जो है चला दी गई है, तो पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बार कितने जरूरतमंदों को जो है उनकी जरूरतें इससे पूरी हुई, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। देखिए, आपको बता दें कि लखनऊ में अगर जो बात करें तो 8 नगर निगम जोन है और इन 8 नगर निगम जोनों में हर जगह, हर वार्ड पर और हर स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाए तो लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि सारे जरूरतमंद लोग जो नगर निगम पहुंचते थे, जो नगर निगम जाते थे, तो उन लोगों को ओपन रूप से मदद दी गई है और लगातार ये चलता आ रहा है। नेकी की दीवार हर वार्ड में आपको मिल जाएगी। इसी के प्रारूप को और बड़ा करने के लिए नगर विकास विभाग ने ये एक पहल शुरुआत की है और मुझे लगता है कि और इसको बेहतर बनाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है इस पहल को लेकर, क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई है? नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं जो लगातार इसके लिए एक टीम वर्क बनाया गया है और लगातार इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त हैं, उन्होंने एक टीम वर्क बनाया है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे जरूरतमंद लोगों को जो सड़क किनारे रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तमाम ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो जिनको जरूरत मिलनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, तो उन लोगों को इस तरह की मदद दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के मापदंड के द्वारा केवल मेरिट के आधार पर एक साल में 29,237 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। सेक्टर 35 में म्यूनिसिपल भवन में पंजाब पुलिस में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न कार्डरों में भर्ती हुए 144 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनने के लिए नौजवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि पंजाब पुलिस में सिविलियन को शामिल किया गया है, जो समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज को बड़ी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक अपडेट करना बेहद जरूरी है। भगवंत मान ने कहा कि ये बहुत संतोष और गौरव की बात है कि पंजाब पुलिस देश भर में बेहतरीन फोर्स है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भर्ती हुए 144 नौजवान आधुनिक प्रौद्योगिकी की गहरी समझ रखते हैं और इस काबिलियत स्वरूप वो पर्दे के पीछे रहकर जुर्म करने वालों को काबू करने में सहयोग किया करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इससे पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ साथ इसकी क्षमता और बढ़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पिछली एक साल में बहुत बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसकी देश भर में सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब जल्द ही राज्य की पुलिस को वैज्ञानिक राह पर अपडेट करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के साथ मिलकर काम करेगा। और उन्होंने कहा कि इस संबंधी एक व्यापक मसौदा तैयार किया गया है और औपचारिक समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीएम भगवंत मान ने आगे बताया कि ये राज्य में किसी भी तरह की असुखद चुनौती से निपटने के लिए पंजाब पुलिस का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम भगवंत मान ने 144 नौजवानों को जो है नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, और नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद क्या कुछ कहा है, क्या संबोधन उनकी तरफ से दिया गया है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से मिशन रोजगार से लेकर आगे चलते हुए 144 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लगातार जो देखा जाए 112 नंबर जो गाड़ी हेल्पलाइन चलती है, जो पीसीआर चलती है, उस पर जो है और गाड़ियां लगाई जाएंगी। और साथ के साथ जो पुलिस के जवान है उनको अति आधुनिक सम्मान जो है वो दिया जाएगा, और जो इंटेलिजेंस है उनको भी कहीं ना कहीं बढ़िया सॉफ्टवेयर जो है लाए जाएंगे, ताकि ट्रैक जो है वो किया जा सके चोरों को। और साथ के साथ अति आधुनिक जो है उनको बनाने की जो बात है वो पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सीसीटीवी कैमरे, जैसे कि अपराध बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए, तो सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो भी लगाने के लिए जो है पैसे जो है वो भी सेंक्शन कर दिए हैं। जी कोई बात कर लें, पंजाब में जल्द ही जो है राज्य की पुलिस को वैज्ञानिक राह पर अपडेट करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के साथ मिलकर भी जो काम करेगा, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि एक व्यापक मसौदा इसके लिए तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, सब कुछ जो है वो तैयारियां पूर्ण तौर पर कर ली गई है, और कहीं ना कहीं सब जैसे कि गूगल के साथ आपने कहा, गूगल के साथ जरूर मिलकर बैठक भी होगी, और बैठक के बाद जो है सारी जो तैयारी है वो की जाएगी। और लगातार जैसे कि अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी ठल पा रही कहीं ना कहीं जो है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई है। 1800 कॉन्स्टेबल, 300 सब इंस्पेक्टर भर्ती करने का फैसला जो है वो भी हर साल जो है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। इसके चलते अगर देखा जाए तो अब तक की कुल नौकरियां जो है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जो है दी गई है, जिसमें 29,237 जवानों को नौकरी अब तक जो है पंजाब सरकार दे चुकी है। कोई बात कर लें, अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार को बने हुए एक साल से कुछ महीने ज्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में अभी तक अगर बात कर लें कितनी सरकारी नौकरियां जो है पंजाब के लोगों को दी गई हैं, एक बार पूरा डेटा जो है आपसे जानना चाहेंगे कि कितना डेटा है जो अभी तक पंजाब में जो है युवाओं को नौकरी मिली है। जी बिल्कुल, मिशन रोजगार के तहत पंजाब के जब नौजवानों को जो नौकरियां हैं वो 29,237 नौकरियां पिछले एक साल में दी गई है,
और उसमें बता रहे कि अलग अलग जो है उनमें दी गई, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, या वाटर सप्लाई की बात करें, सैनिटेशन डिपार्टमेंट की बात करें, या नर्सिंग की बात करें, डॉक्टर्स की वेटरनरी डॉक्टर्स जो है उनकी बात करें, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स से क्लर्क की बात करें, उनको भी नौकरी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। जिस तरीके से पंजाब सरकार लगातार अपने कहे वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है, और नौकरियों की अगर बात कर ली जाए तो युवाओं को लगातार नौकरी देने का क्रम भी जो है लगातार जारी है, ऐसे में नौकरी पाने वाले जो युवा हैं क्या कुछ कहना है और किस प्रकार का रिस्पांस उनकी तरफ से देखा जा रहा है सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए रोजगार मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो नौजवान है वो खुशी की लहर जो उनके बीच चलती हुई नजर आती है, क्योंकि कई नौजवान ये भी कहते हैं कि हमने सरकारी नौकरी ही करनी थी, तो जिसके चलते हम लगातार जो है एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम के बाद जो है हमारी जो है सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद जो है हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर मिले। हालांकि पहले जो देखा जाता था जो कहीं ना कहीं हम रह जाते थे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चलते जो हमारे जो है लगातार ऐसी नौकरी जो है वो ले लेते थे, इसके चलते अब जीरो टॉलरेंस के चलते पंजाब सरकार की तरफ से नौकरियां हमारे को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत और बीजेपी की हार के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल भी तेज हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां आने वाले कुछ ही महीनों में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं। वहीं इसके ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबिज है, जिसे मात देने के लिए विपक्षी दलों ने कोशिश शुरू कर दी है। कर्नाटक में बीजेपी को लगे झटके के बाद ये कोशिशें और तेज हो गई हैं, वहीं बीजेपी कैडर भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमवीए नेता शामिल हैं हुए, और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस बैठक में जिक्र हुआ, और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की गई है, और बैठक में तीन दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा और आगे किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए इसका भी जिक्र हुआ। तीनों दलों की इस बैठक के बाद अब सभी अपने नेताओं की अलग बैठक भी बुला रहे हैं, जिसमें आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपने आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार 17 मई को एमवीए के दो बड़े दल शिवसेना और एनसीपी ने अपने नेताओं से बातचीत की। बताया गया कि ये बातचीत आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर की गई है। एनसीपी लगातार अपना जनाधार बनाने में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश हो सके। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत और बीजेपी की हार के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, और जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। आपको बता दें कि जहां आने वाले कुछ ही महीनों बाद बीएमसी का चुनाव हो सकते हैं, और इसे ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबिज है, जिसे मात देने के लिए विपक्षी दलों ने कोशिश शुरू कर दी है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोने इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से विपक्ष में जो है एक ऑक्सीजन भरने का काम कांग्रेस ने किया, और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो भी उसमें भी हलचल बढ़ना शुरू हो चुकी है, और अब जो विपक्षी पार्टियां वहां पर महाराष्ट्र में इस वक्त हैं वो अब एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के साथ ही महाराष्ट्र की
महा विकास आघाड़ी सरकार को एक ताकत मिली है और एक नई दिशा मिली है। इसी को लेकर महा विकास आघाड़ी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में पटकनी देने के लिए तमाम तैयारियां कर रही है। शरद पवार के घर पर जिस तरह से महा विकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, उसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें खासकर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों पर चर्चा की गई। खासकर जिस रणनीति के तहत कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की है, उसी रणनीति को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के जो गंदी नीतियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश जो है महा विकास आघाड़ी कर रही है। इसी लिहाज से महा विकास आघाड़ी में बने तीनों घटक दल अलग अलग मीटिंग कर रहा है, अलग अलग नेताओं के साथ अपना समन्वय बिठा रहा है, जिससे आने वाले समय में खासकर मुंबई महानगर पालिका में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं होना चाहिए, उसको लेकर तैयारियां कर रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, समन्वय बैठाने की कोशिश लगातार विपक्षी दल करते हैं, लेकिन आखिर में जब आखिरी समय आता है तब देखा जाता है कि इनके बीच समन्वय बैठता हुआ नहीं दिखाई देता। यही बात अगर कर्नाटक के सीएम के लिए कर ली जाए तो आपने देखा होगा कि कितनी हलचल रही कर्नाटक के सीएम को लेकर, कितना सस्पेंस बना रहा, मतभेद जो है विपक्ष में बहुत सारे दिखाई देते हैं। बिल्कुल निशा जी, देखिए इस बार की जो मीटिंग हुई है बेहतर समझी रणनीति हुई है, क्योंकि महा विकास आघाड़ी को यह पता है कि अगर महा विकास आघाड़ी में तीनों घटक दल एक साथ नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार उन पर भारी पड़ सकती है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बैसाखी की तरह शिंदे सरकार को उपयोग में ला रही है। अगर शिंदे सरकार उस पर से फूटती है तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में कम हो जाएगा। इसी को मिटाने के लिए एक महा विकास आघाड़ी लगातार कोशिश कर रही है। इस बार की जो मीटिंग हुई उसमें यही समझ बैठाने की कोशिश की गई है कि हम सब तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, सीट बंटवारे को लेकर भी एक मत होना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सीटें जिनको दी जाएगी वह उसे स्वीकार करेंगे। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं के साथ भी इस पर विशेष चर्चा की गई है, यानी कि यह पूरी रणनीति एक मत होकर की गई है और आने वाले समय में अगर इसी तरह की रणनीति महाराष्ट्र में रही तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए महा विकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष कितना तैयार नजर आ रहा है अगर जमीनी हकीकत इसकी देखी जाए, क्योंकि बीएमसी के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव का भी विगल जो है बच जाएगा, तो ऐसे में कितनी एक्टिव नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां। बिल्कुल साथी, देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई खास प्रतिद्वंदी है तो वह शिवसेना। शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ उनके कार्यकर्ता नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के तमाम विधायक चले गए हैं, कार्यकर्ता जिस पार्टी में उस पार्टी की न्यूज जो है कमजोर रहती है। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है कार्यकर्ताओं से भरी हुई है, पदाधिकारियों से भरी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक मजबूत दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर यह दावेदारी तब मजबूत और हो जाएगी जब एकनाथ शिंदे के अलावा जो एनसीपी और कांग्रेस के तमाम घटक दल उनके साथ खड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। ये तमाम मजबूती यह दर्शाती है कि महा विकास आघाड़ी इसी का फायदा उठाना चाहती है। एक तरफ शक्ति से एनर्जी से लवरेज कांग्रेस की जीत के बाद ही महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूती के तौर पर देखी जा रही है, तो जाहिर तौर पर एक समीकरण बनता है कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, अगर उसी समीकरण को कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना अपनाती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में समीकरण बदल सकता है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता छीनी जा सकती है। इसी रणनीति को बनाने के लिए महा विकास आघाड़ी तमाम अपने नेताओं के मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन विपक्ष अगर बात भी कर लें कि विपक्ष एक साथ है, लेकिन एनसीपी के जिस तरीके से बयान सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष के बयानों से मैच नहीं करते। देखिए बिल्कुल राजनेताओं में हर समय हर बातें अलग अलग होती है। अब ऐसे में जिस तरह से एनसीपी के कई नेता अलग अलग बयान देकर जो है कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, उस पर हर बार बड़े नेता आकर सफाई देते हैं। जैसा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जयंत पाटिल का भी बयान आया था
महा विकास अघाड़ी का अफसर रहेगी। शरद पवार ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि महा विकास अघाड़ी के साथ हम सब तक हमें कुछ पता नहीं है, महा विकास अघाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी उन्हें पता नहीं है। इसके अलावा एनसीपी के नेता अजीत दादा पवार ने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व वाली पार्टी है, एक बढ़िया पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा नेतृत्व होता है, तो कहीं कहीं तारीफ भारतीय जनता पार्टी की है। अब ऐसे में लोगों को यह डाउट होने लगता है कि क्या सच में एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती है। लेकिन शरद पवार ने पिछले दिनों जिस तरह से अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही, उसके बाद एनसीपी के तमाम नेता एकजुट होकर उन्हें वापस पार्टी में लाए और वापस उन्हें जो है अध्यक्ष पद पर कायम रखा, तो एक दर्शाता है कि पार्टी में एकजुटता अभी भी है और इसी एकजुटता के चलते पार्टी एक मजबूती की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र का समीकरण बदलने की पूरी कोशिश जो है महाविकास अघाड़ी कर सकती है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में पुलिस और यातायात पुलिस के तमाम बड़े अफसर कश्मीर में कैंप कर रहे हैं और पुलिस अफसर की तरफ से उच्च स्तर पर पल पल की जानकारी दी जा रही है। जम्मू में यातायात पुलिस के अधिकतर DTI कमिश्नर भेजे गए हैं। कश्मीर में होने जा रहे G20 की बैठक से पहले पुलिस ने कश्मीर में पूरी ताकत लगा दी है और कश्मीर के अलावा पहले से ही जम्मू के बड़े स्तर पर पुलिस ऑफिसर्स को कश्मीर भेजा गया है। अब यातायात पुलिस के भी इंस्पेक्टर से लेकर अन्य स्तर के ऑफिसर्स को कश्मीर भेजा गया है ताकि वहां की यातायात व्यवस्था को सरल बनाया जा सके। पूरे श्रीनगर शहर में ये DTI स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यातायात को सरल बनाने में लगे हुए हैं ताकि G20 में आने वालों की मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई बाधा ना पड़े। इस बीच कल्चरल अकादमी श्रीनगर शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारियां पूरी कर ले गई हैं। उधर अतिथियों के स्वागत के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई अन्य जरूरी इंतजाम भी किए हैं और पहली बार श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से SKICC तक बंकरों को बाहर से सजाने का काम भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और यातायात पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर कश्मीर में कैंप कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से उच्च स्तर पर पल पल की जानकारी दी जा रही है। जम्मू में यातायात पुलिस के अधिकतर DTI कश्मीर भेजे गए हैं। कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक से पहले पुलिस ने कश्मीर में पूरी तरह से जो है ताकत झोंक दी है और कश्मीर के अलावा पहले से ही जम्मू में बड़े स्तर पर पुलिस ऑफिसर्स को कश्मीर भेजा गया है। अब यातायात पुलिस के भी इंस्पेक्टर से लेकर अन्य स्तर के ऑफिसर्स को कश्मीर भेजा गया है ताकि वहां की यातायात व्यवस्था को सरल बनाया जा सके। पूरे श्रीनगर शहर में ये DTI स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यातायात को सरल बनाने में लगे हुए हैं ताकि G20 में आने वाले मूवमेंट किसमें किसी भी तरह की बाधा ना पड़े। इस बीच कल्चरल अकादमी श्रीनगर शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारियां पूरी कर रही हैं। उधर अतिथियों के स्वागत के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है और पर्यटन विभाग ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए अन्य जरूरी इंतजाम किए हैं। पहली बार श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के SKICC के तक बंकरों को बाहर से सजाने का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि G20 की बैठक को लेकर पुलिस फोर्स अब जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। लगातार बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है कश्मीर पहुंच रहे हैं, कश्मीर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है और हर प्रकार की चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है पुलिस ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। चाहे बात यातायात को लेकर कर ली जाए, यातायात की दृष्टि से सभी चीज़ें जो है बारीकी से देखी जा रही हैं।
इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर में पुलिस और यातायात पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर्स जो हैं अब कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं और पल पल की जानकारी दी जा रही है क्योंकि G20 की बैठक यहाँ पर होनी है। किस प्रकार की सुरक्षा इस वक्त वहां पर बनाई जा रही है, कितनी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच रही है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ यहाँ सुरक्षा की बात करें तो उसको काफी पुख्ता किया जा रहा है। पैरा कमांडो के साथ साथ एनएसजी कमांडो जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। हर होटल अन्य इमारतों को खंगाला जा रहा है। तो वहीं ट्रैफिक विभाग की बात करें तो वो भी अपने स्तर पर पूरा अमला जो है इस समय कश्मीर घाटी पहुंच चुका है और हर तरह का कैंप किया जा रहा है ताकि जो G20 की बैठक होने जा रही है वहां पर किसी प्रकार का ट्रैफिक का व्यवधान जो है वो ना पड़े। इसके लिए पूरी ताकत जो है वो झोंकी जा रही है। जितने जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उनको पहले ही कश्मीर भेजा जा चुका है। अन्य इंस्पेक्टर लेवल के जितने भी अधिकारी हैं या GDI हैं उनको भी वहां पर भेजा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात प्रभावित ना हो। जब G20 की बैठक होगी तो यहाँ सभी देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे और उससे पहले पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है यातायात को सरल बनाने के लिए। हर प्रकार की जो मूवमेंट है उसमें व्यवधान ना आए उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो की गई है। जो शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अतिथियों का स्वागत करने के लिए शहर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। और वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि पैरा कमांडो जो है उन्होंने डल झील का जिम्मा अपने साथ लिया है। डल झील के आसपास जितने भी होटल या शिकारे हैं उन पर उनकी खास नजर रहेगी। वहीं NSD कमांडो जो है वो लाल चौक में तैनात कर दिए गए हैं। हर आने जाने वाली मूवमेंट जो है उसको देखा जा रहा है, तलाशी अभियान लिए जा रहे हैं ताकि जिस प्रकार से आतंकियों की एक साजिश लगातार चल रही है कि किसी भी तरीके से G20 की बैठक को बाधित किया जाए या वहां पर व्यवधान डाला जाए। लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। हालांकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवा कर यहाँ अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाए। वहीं अगर कहा जाए तो राजौरी और पुंछ में भी जो है वो 10 किलो ID जो है वो बरामद की गई मेंढर के इलाके में। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू करने रूप से चलाने के लिए पूरा अमला इस समय कश्मीर घाटी पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। एक तरफ जहां दून स्मार्ट सिटी का समान केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। ये मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय पर में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और CM के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। CM ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो भी शिकायत जाएगी उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा। जिससे के लिए आपको बता दें कि अधिकारियों ने जिम्मेदारी भी इनके लिए तय कर दी गई है और उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से सड़कों को पूर्णतया गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी इनकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
द्वारा राज्य की सड़कों को पूर्णतया गड्ढा मुक्त बनाने और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पहले भी सख्त निर्देश इसके लिए दिए गए थे और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप विकसित किया गया है। वहीं कांग्रेस इस ऐप को लेकर तरह तरह के सवाल और तर्क दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि कम से कम सरकार ने ये तो माना कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त हैं, ना कि गड्ढा मुक्त हैं। आज उत्तराखंड सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अपने क्षेत्र के सड़क के गड्ढों को यदि शिकायत की जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग एक हफ्ते में उसको गड्ढा मुक्त कर देगा या पैचवर्क कर देगा। स्वागत योग्य कदम है, देर आए दुरुस्त आए। 6 सालों में चलो आपको कम से कम याद तो आया कि आपकी सड़कें गड्ढा युक्त सड़कें हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि कितने लोगों को इंटरनेट चलाना आता है, कितने लोगों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं और कितने लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे और शिकायत कर पाएंगे, और जितनों की शिकायत होगी कितनों की शिकायत का निवारण हो पाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी है, उसमें सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें दर्ज होती हैं, कभी फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री जी आपने या फॉलोअप किया है कि कितनी शिकायतों का निवारण हो गया? देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है पैच रिपोर्टिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी सड़क पर गड्ढा होगा उस गड्ढे की फ़ोटो खींचकर इस ऐप के माध्यम से जैसे ही लोक निर्माण विभाग को भेजेंगे, उस ऐप के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये किस जगह है, किस देशांतर में है, और उसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारी तय की है कि वो इस कार्य को करने के बाद जिस भी शिकायतकर्ता ने जो शिकायत अपने क्षेत्र के गड्ढों की है उसका समाधान करके और फोटो खींच के उस शिकायतकर्ता को भेजेंगे। निश्चित रूप से इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और माननीय मुख्यमंत्री का जो विज़न है कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, 100% जो है वो विज़न पूरा होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि एक सराहनीय और शानदार पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अब धामी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका शुभारंभ किया है, लेकिन विपक्ष इस पर भी जो है निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का लगातार विजन रहा है कि उत्तराखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए और अपने आप को जनता के सामने सिद्ध करना है उनको, और केंद्र का जो भरोसा उन पर है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करना है, उसको लेकर लगातार उनकी तरफ से काम किए जा रहे हैं और लगातार उत्तराखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए लगातार उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत आप पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर जो रोड है, जो लगातार शिकायतें आती है वो उत्तराखंड से की जो रोड है वो खराब है, गड्ढा लगातार हो रहा है, कई दुर्घटनाएं हो रही, तो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने समाधान निकाला और डायरेक्ट उनसे जो यहाँ पर टच रहे आदमी का और जो लगातार उनके पास रिपोर्टिंग आती थी उसको लेकर के एक पैच रिपोर्टिंग ऐप का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसके तहत यहाँ पर पीडब्ल्यूएस के अधिकारी को निर्देशित भी किया है कि इसमें जो फोटो अपलोड की जाएगी इस जगह की, यहाँ की रोडें खराब होंगी तो उसको कम से कम एक हफ्ते के अंदर भीतर उसको ठीक किया जाए, ना कि ठीक किया जाए बल्कि उस ठीक सड़क की जो फोटो है वो भी अपलोड की जाए, तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक जानकारी मिल सकेगी और अधिकारी पर लगातार दबाव रहेगा कि मुख्यमंत्री क्योंकि इस ऐप का शुभारंभ कर चुके हैं, इस ऐप की निगरानी वो लगातार कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो ये दिक्कत है वो तक पहुंच चुकी है और उसको जल्द से जल्द निवारण नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हो सकता है। तो साफ तौर से ये ऐप जो बनाया गया है इसका निश्चित तौर पर अगर समय पर लाभ मिलने जा रहा है और क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इसको लगातार आधार मॉनिटरिंग करेगी तो उसको लेकर के यहाँ पर चीजें सामने आई, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमला वाला है, जिससे पहले भी कई ऐप बन चुके हैं उस पर लगातार खामियां, लेकिन इस ऐप के शुभारंभ होने से कहीं ना कहीं ये जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।